कोरबा में ऊर्जा धानी संगठन कृष्णा नगर इकाई दीपिका के संगठन ने गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर से जोड़ी जाने वाली प्रभावितों की मुआवजा को लेकर रेलवे कार्यस्थल पर प्रदर्शन शुरू करते हुए हर दिन एक घंटे अलग अलग तरह की आंदोलन संचालित करने का निर्णय लिया है। संगठन की कृष्णा नगर इकाई के सचिव सीमा देवी सोनी ने बताया कि गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर से जोड़ी जाने वाली कृष्णा नगर दीपिका वार्ड नंबर 7 से 16 प्रभावित परिवारों की घर मकान बाड़ी आदि है। परिसंपत्तियां रेलवे से प्रभावित है, जिस पर जिला प्रशासन रेलवे विभाग और अन्य संबंधित विभागों को आवेदनों से गुहार लगा चुके हैं। उसके बावजूद अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन ही दिया जाता है। दरअसल जमीन मालिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने जमीन मालिकों की मुआवजे को 18,000 डिसमिस से भुगतान किया है, जबकि सूत्रों की जानकारी के अनुसार 70,000 डिसमिस मुआवजा का भुगतान करना निर्धारण किया गया है। और ऐसा जमीन मालिकों को लग रहा है कि बीच के बचे मुआवजे का हेरा फेरी की गई है। मैं वार्ड नंबर 7 कृष्णा नगर के निवासी दयाराम सोनी मेरा नाम है। हम लोग कई वर्षों से यहाँ रेल जो कॉरिडोर में प्रभावित हो रहे हैं उन लोग का मुआवजा अभी तक नहीं बना है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर पूरा मोहल्ले वाले के साथ कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का जो मुआवजा का संबंध है? यहाँ पे जो गेवरा रोड पेंड्रा रोड का जो रेल कॉरिडोर जा रहा है उस पर जितने भी रजिस्ट्री वाले लोगों का उन लोग को मुआवजा दे दिया गया है, और जिनकी मतलब अभी रजिस्ट्री नहीं है उन लोग को भी आश्वासन दिया गया था कि आप सभी लोग का मुआवजा बने, पर अभी तक इनका मुआवजा नहीं प्रदान किया गया। तो उसी के संदर्भ में हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग को भी बहुत जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए। और यदि नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद आप लोग का कदम क्या होगा आगे? इसके बाद अगर हमारी बात नहीं सुने तो हम आंदोलन करेंगे, यहाँ पर रेल रोको आंदोलन करेंगे, सभी प्रभावितों के साथ मिलकर जो भी होगा किया जाएगा मिलकर। अगर दीपिका की निवासी हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? यहाँ हम लोग का जमीन रेल विभाग से जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमको भी मुआवजा मिले। जितना रजिस्ट्री वाला हमको सबको मिल गया है, और जो बिना रजिस्ट्री है उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं और सब बहुत गरीब घर से हैं, इसीलिए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। और क्या बोलते हैं, सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग पूरा रेल यहाँ पर रोकेंगे, और जो भी जिम्मेदारी है रेल विभाग में आएगा, अपने से जो बनेगा हम लोग करेंगे।